हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, तो इंट्रोडक्शन इसके बारे में सुन लेते हैं. पहले इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है, बस यही लिखा है कि क्या आप खुद को मिरर में देखना पसंद करते हैं. ओके, और अगर ऐसा है तो मतलब आप मिरर में देखते हैं तो क्या सोचते हैं अपने बारे में. क्लियर? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई एनिमल हो गया, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, या कोई बर्ड हो गई, ओके, वो भी अपने आप को कभी मिरर में देखना पसंद करेगी? तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इट्सेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कोबरा. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. We listened attentively as the doctor continued with his tale. Okay, तो यहाँ पे author हैं, वो पहले ही question बोलता है कि क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आपके किसी body part पे snake जो है वो लिपटा हुआ है, और वो भी एक cobra. तो एक homeopathy वाला doctor है. Okay, homeopathy हम लोग सब जानते हैं. Okay, तो वैसा ही एक doctor है. तो जब ये सवाल होता है तो बैठक हुई है. Okay, मतलब तीन चार लोग शायद बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे author जो है वो भी है और एक doctor भी है. तो वो स्टार्ट करता है कुछ कहानी स्नेक के बारे में. ओके, तो देखो क्या है वो कहानी. इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट रेस्टोरेंट एंड रिटर्न्ड टू माई रूम. आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम द अबव एज आई ओपन द डोर. द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. ठीक है, तो ये एक समर नाइट की कहानी है. शायद रात के 10 बज रहे हैं. ओके, और जो डॉक्टर है वो रेस्टोरेंट से खाना खा के अपने घर आया है, और घर उसका अपने घर के बारे में बता रहा है कि वो उस घर में इतने सारे चूहे हैं कि मैं उनके साथ रूम शेयर करता था. ओके, मतलब उस घर में चूहे भी रहते थे और चूहों की बहुत सारी आवाज़ें आती थी. ओके, और डॉक्टर काफ़ी गरीब है अभी. ओके, आगे हम लोग ये सेंटेंस भी मिलेगा. तो वो एक केरोसिन लैम्प जलाता है और उसे टेबल पर रखता है. ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट देख लेते हैं. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेग्रे. आई हैड अबाउट 60 rupees इन माई सूट केस अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज. आई ऑल्सो पोजेस्ट वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. तो डॉक्टर ये बता रहा है कि घर जो है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन कोई भी नहीं थी. ओके, और ये भी बता रहा है कि वो रेंटेड घर था. ओके, और मैंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस मतलब एज अ डॉक्टर जो है वो अभी अभी बना है, तो वो कुछ ज़्यादा अभी कमा नहीं पाया है. उसकी अर्निंग जो है वो बहुत कम है. उसके पास 60 rupees हैं, एक सूटकेस में कुछ कपड़े हैं, और एक ब्लैक कोट भी है उसके पास जो इस समय वो पहना हुआ है. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. आई ओपन्ड द टू विंडोज इन द रूम. इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. ओके, तो जो कोट है वो निकाल दिया, वाइट शर्ट निकाल दिया, और वाइट वेस्ट. नॉट सो वाइट मतलब कि उसकी जो वेस्ट है वो गंदी हो चुकी है, तो वो वाइट नहीं है, येल्लो हो गई है या ब्लैक हो गई है या किस भी कलर की है, तो वो वाइट नहीं है. ओके, और उसके बाद वो एक रूम खोलता है ताकि हवा आए बाहर से. ओके, देयर वॉज नो सीलिंग. अच्छा, इसके रूफ में सीलिंग नहीं है. ओके, मतलब ऐसे ही बांस की या लकड़ियों की जो ऐसे कह सकते हो ऐसे लगी हुई हैं, और उसके ऊपर जो वो यहाँ देख सकते हो बगल में फोटो दी हुई है. ओके, तो यही होता है गैबल. यहाँ पे सीलिंग नहीं होती है, लकड़ियाँ लगी रहती हैं ताकि ये जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल वाला शेप है वो उस पर टिका रहे. ओके, तो ऐसा ही कुछ है उसके घर का कंडीशन. देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम. आई हैड मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर अ लिटिल एयर, बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन मी ऑफ. ओके, तो ये बता रहा है कि वहाँ मैं गया. ओके, और मेरे घर में रैट्स की बहुत ज़्यादा तादाद है. ठीक है, मैंने अपने बेड को एक दीवार के किनारे लगाया हुआ है, लेकिन मैं सो नहीं पाया, तो बाहर मैं निकला हूँ ताकि कुछ मुझे हवा लगे. ओके, और मैं जो है सो पाऊँ, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि शायद मैं उड़ जाता, तो वो वापस आ गया. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर. आई ओपन द बॉक्स बिनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मटेरिया मेडिका. आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच शुड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर एंड अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर. ओके, तो फिर वो वापस चला जाता है. हवा बाहर ज़्यादा तेज चल रही है. ओके, तो वो क्या करता है,
कि जाता है, एक बुक निकालता है अपने टेबल में से और लैंप जहाँ रखी हुई है जिस टेबल पे वहाँ पे एक मिरर भी है और वहीं पढ़ने लगता है। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू मिरर व्हेन इट इज रियर नियर वन आई टुक अ लुक इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। ओके, तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एक मिरर के सामने है, एक शीशे के सामने है, तो वो खुद को ज़रूर एक बार देखेगा। तो मैंने भी वही किया और मुझे ऐसा लगा, मैं उस वक्त ब्यूटी को काफ़ी एडमायर करता था, मतलब शायद ये अभी एडल्ट एज में नया नया पहुंचा है तो ब्यूटी को बहुत एडमायर करता था, तो वो सोचा कि जो कॉम्ब है उसे मैं उससे अपने एक बार मैं अपना जो प्रेजेंस है, मतलब मैं कितना अच्छा लगता हूँ, वो उसे मैं चेक कर लूँ मिरर में देख के। ओके, अगेन आई हियर दैट साउंड फ्रॉम द एल्बम, इतना जब कर रहा है तो फिर से एक आवाज़ आती है ऊपर से। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। तो वो अपने चेहरे को थोड़ा क्लोज जाके देखता है मिरर में, तो उसे ये फील आती है कि मुझे डेली शेव करना चाहिए और जो मुस्टैच है वो थिन रखना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा और हैंडसम लगूं, क्योंकि मैं एक बैचलर भी हूं, कल को मेरी शादी हो सकती है और प्लस मैं एक डॉक्टर भी हूं। ओके, तो रेपुटेशन मुझे अच्छा बनाना है तो मुझे हैंडसम लगना होगा। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। ओके, तो मिरर में देखता है तो वो स्माइल करता है, स्माइल उसे ही, उसकी खुद की स्माइल उसे बहुत अच्छी लगती है, तो वो डिसीजन लेता है कि मैं अपने स्माइल को हमेशा अपने साथ रखूंगा, मतलब वो हर वक्त स्माइलिंग फेस रहेगा रखेगा ताकि जो भी देखे उसे तो वो उसे हैंडसम लगे। ओके, आई गॉट अ पेस्ड अप एंड डाउन द रूम देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी आई वुड मैरी I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. Okay? तो जब वो रूम से नीचे आ रहा है, ओके, तो वो एक और डिसीजन लेता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और ऐसे किसी औरत से शादी करना चाहिए जो रिच हो, जो मेडिकल प्रैक्टिस में हो, मतलब वो भी एक डॉक्टर हो और वो मोटी भी हो, ताकि जब मैं कोई गलती करूँ शादी के बाद कोई गलती करूँ तो वो मुझे भगा के मार नहीं पाएगी। ओके, With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from the above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely, nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. Okay? तो जब उठ जाता है वो चेयर पे जाके बैठता है और तब तक एक जैसे रबर ट्यूब जैसे गिरती है वैसी एक आवाज़ आई है, कुछ गिरा है, और जैसे ही वो अपना सिर इधर घुमा रहा है, ओके, वैसे ही वो देखता है कि उसके पास, उसके ऊपर एक स्नेक जो है वो चढ़ चुका है। ओके, आई डिडेंट जम्प, आई डिडेंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट, देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, द स्नेक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्जर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म Above the elbow, the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. तो अब वो कह रहा है कि मैं इतने ज़्यादा सदमे में हो गया तुरंत ही, इतना ज़्यादा वो शॉक्ड हो गया कि ना ही वो जंप कर पाया, ओके, ना ही वो कुछ माने, वो अपना कुछ भी जो डर है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, ओके, और तुरंत ही जैसे उसे समझ में आता है कि मेरे ऊपर एक स्नेक चढ़ा है, वो तुरंत ही शोल्डर पे, मतलब कंधे से लेके एल्बो के ऊपर तक, ओके, मतलब ये जो बाइसेप वाला रीजन है वहां पे वो पूरा कॉइल हो चुका है और उसका जो सिर है, स्नेक का जो सिर है, वो मेरे सिर से 3 या 4 इंच मात्र दूर है। ओके, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ आई वॉज टर्न टू स्टोन बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव द डोर ओपेंड इन टू डार्कनेस द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। ओके, तो यहाँ पे यही है कि वो अपनी सांस को रोक लिया है, ओके, और वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है और बाकी चीजों पे वो ध्यान दे रहा है, जैसे रूम डार्क है पूरा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ ताकि इसको कुछ मार सकूं या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ वो सोच रहा है। ओके, और मैं एक पत्थर की तरह वहां बैठा हुआ हूँ, ये सारी चीजें डॉक्टर बता रहा है।